बरकाकाना आरपीएफ के जवानों ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का किया पर्दाफाश। बरकाकाना आरपीएफ के जवानों ने 5 नाबालिग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाया। मामला पतरातू प्रखंड अंतर्गत बरकाकाना का है, जहां से गत सोमवार को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बरकाकाना आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एम रमेश एवं उनकी टीम ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए इस गुत्थी को बड़ी आसानी से सुलझा लिया है। ज्ञात हो कि मामला सोमवार की है, जब बरकाकाना आरपीएफ को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध लड़कियों के साथ एक व्यक्ति ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ बरकाकाना के जवानों ने बड़ी मुस्तैदी के साथ तत्परता दिखाते हुए उन 5 नाबालिग लड़कियों के साथ एक व्यक्ति को भी पकड़कर पोस्ट में लाया और इन 5 नाबालिग लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। सब इंस्पेक्टर एम रमेश ने बताया कि इन 5 लड़कियां गुमला के जिले में रहने वाली थी, जिन्हें काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाया जा रहा था। पकड़े गए उस व्यक्ति ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार किया और कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता, पर बाद में सख्ती करने पर उसने स्वीकार किया कि इन लड़कियों को ले जाकर दिल्ली में हमें सप्लाई करना था। आइए देखते हैं बरकाकाना के सब इंस्पेक्टर एम रमेश ने क्या कुछ कहा। पतरातू से विकास पाठक की रिपोर्ट। अभी हम लोग बरकाकाना रेलवे जंक्शन के पास खड़े हैं और इनफैक्ट हम लोग इनके ऑफिस में खड़े हैं, आरपीएफ के जो का जो ऑफिस है उनके पोस्ट में हम लोग खड़े हैं और हमारे साथ आरपीएफ के बहुत ही जवाब पदाधिकारी रमेश जी हैं, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ एक ह्यूमन तस्करी को रोका, मानव तस्करी को रोका, जहाँ से गुमला से कुछ लड़कियों नाबालिग लड़कियों को दिल्ली तस्कर किया जा रहा था, बड़ी ही सहजता के साथ इन्होंने इस पूरे कांड को भेदन किया। अब सर बताइए किस तरह से कि आपने इस तरह किया है। एक्चुअली उस दिन का हमको बस मैसेज मिला है, ट्रेन में थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, 4-5 दिन एक लड़की के साथ एक लड़का जा रहा है, थोड़ा सस्पिशियस है। हम लोग उस दिन का हमारा सीनियर कमांडेंट भी, हमारा सीनियर डीएससी है हेमंत साहब, उन्होंने भी पूरा इसके ऊपर जोर दे रखा था, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का ट्रैक चला रहा। उस दिन पर तुरंत हमको मैसेज मिला तो हम लोग का स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर है निरंजन कुमार, एक लेडी सब इंस्पेक्टर है स्तर था, तुरंत हमारे स्टाफ ने तुरंत जाके वो ट्रेन को अटेंड किया है और वो अटेंड करने के बाद उसमें सस्पिशियस लगा है, उसमें बातचीत करने में लगा तो उनको रिपोर्ट करके फिर लिया है। तो पोस्ट में आने के बाद उनसे पूछताछ करने से पता चला है ये दिल्ली ले जा रहे हैं। उसके बाद कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के काम पर वो बिलोंगिंग करते हैं लेडीज लोग, उनका कंसर्न उनका डिस्ट्रिक्ट से कुछ थाना से पता करके थाना को बुला के थाना से हैंड ओवर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए और आरपीएफ के जवानों के लिए भी कि मानव तस्करी का जो अभी जो ये दौर चल रहा है उसको रोकने में आपने बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं एचटीवी आवाज के लिए विकास पाठक अपने कैमरामैन राजकुमार के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आपने उन लड़कियों को यहाँ रिपोर्ट करवाया, बाकी लड़कियों ने आपको कुछ बताया, उसके बाद उनको जो ले जा रहे थे उस बंदे से आपने पूछा तो आपको क्या लगा और उसने क्या बताया? शुरुआत में वो मना कर रहा था, इनका नहीं जानते हैं करके, मतलब पहले बोल रहा था नहीं जानते हैं, बाद में बोला था जानता हूँ सबको, वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट भी उनका मैसेज था। उसके बाद फिर पूछताछ करने से फिर वो बाद में वो अग्री कर लिया, हम ये दिल्ली इनको दिल्ली ले जा रहे हैं करके। अच्छा, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। तो फाइनली ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही केस था। हाँ, फाइनली वो उसे पूछताछ करने से पता चला ये उसका ह्यूमन ट्रैफिक क्या है। उसके बाद फिर गुमला डिस्ट्रिक्ट का उनको बुला के थाना को उनको हैंड ओवर कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम रमेश है, आरपीएफ का इंस्पेक्टर हूँ। सर ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आपको खबर मिली आप लोगों को, तो किस तरह से आपको आप लोग इसको अटेंड किया, क्या हुआ सारा थोड़ा डिटेल्स बताएं प्लीज़। एक्चुअली हम लोग उस दिन का है, हमारा सीनियर कमांडेंट साहब है हेमंत कुमार साहब, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसी के फोकस में वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर। इधर से झारखंड से बहुत लोग काम करने के लिए ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे करके ले जाते हैं करके, उनका वीडियो कॉन्फ्रेंस चलते रहता था। उसी टाइम मैसेज मिला, रामगढ़ से आउटपोस्ट है उसके थ्रू मैसेज मिला है ये ट्रेन में ये लोग सस्पिशियस है, 4-5 लड़की है, उनके साथ एक लड़का है, वो जा रहे हैं करके। सुबह तुरंत हम लोग के पास अवेलेबल स्टाफ है, सब इंस्पेक्टर से एक निरंजन कुमार है, लेडी सब इंस्पेक्टर है एक सत्ता है, रिमेनिंग हम लोग के पास स्टाफ है, तुरंत अपना
ट्रेन जाके अटेंड कर लिए। अटेंड करने के टाइम में उनसे पूछताछ करने से थोड़ा सस्पिशियस लगा, उसके बाद उनको डिबोर्ड करा गया, पोस्ट लेके आया। उसके बाद फिर ज़्यादा पूछताछ करने से पता चला है सब ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप का लग रहा है। उसके बाद उनसे पूछताछ करने से चेक करने से पता चला ये सेम ऐसे लग रहा है। उसके बाद फिर हमको पता किया तो ये कुमला डिस्ट्रिक्ट का है, चार लड़की ये लोग। उसके बाद फिर उनका उधर कॉन्टेक्ट किया स्टेट उनका थाने से, उसके बाद थाने से आप लोग आए उनके पास, उनको हैंड ओवर कर दिया गया। तो ये जो लड़कियाँ थी आप लोगों को क्या बताई, उन लोग किस तरह से गुमराह करके ले जाए जा रहा था वहाँ पे? वो लोग इतना बोल नहीं पा रहे था, रिमेनिंग वो लोग बोल रहे थे हम दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने उनको हैंड ओवर कर दिया उनके गाँव वाले उनके घर वालों को? नहीं, हम लोगों का गुमराह जाने वाला का थाना को भी हैंड ओवर किया है। होंडा स्कूटी और मोटरसाइकिल मजबूती में बेजोड़, जबरदस्त माइलेज, आज ही संपर्क करें वैष्णवी ऑटोमोबाइल्स नियर खैरा मांझी मेन रोड पतरातू।